देहरादून के कोटी ढलानी में जंगल में ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटके 5 लोग। सूचना मिलते ही SDRF की टीम और जिला पुलिस द्वारा सघन सर्च ऑपरेशन चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद 5 लोगों को ढूंढा गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रविवार को पुलिस लाइन देहरादून में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के तत्वाधान में उत्तराखंड पुलिस ऑनर अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें चंपावत पुलिस के SO मनीष खत्री व कांस्टेबल नवल किशोर को राज्यपाल द्वारा किया गया सम्मानित। लालकुआ के पूर्व कोतवाल व चंपावत के CO विपिन चंद्र को लाडली हत्याकांड उत्कृष्ट विवेचना और राज्य में पहली बार DNA टेस्ट के माध्यम से बिंदु खत्ता में हुई दुराचार के बाद बहुचर्चित हत्या की घटना का खुलासा करने पर केंद्रीय गृह मंत्री पदक के साथ पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज हल्द्वानी की रानीबाग HMT फैक्ट्री का किया निरीक्षण, साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित स्थल में बेहतर उपयोग के लिए किया जाएगा मास्टर प्लान तैयार। इस दौरान HMT के पूर्व कर्मचारी उनसे मिले और साथ ही अपनी मांग को रखा उनके सामने। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय चंपावत के नोडल अधिकारी केदार सिंह ब्रजवाल द्वारा जन समस्याओं को सुना गया, साथ ही उनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्यवाही का दिया आश्वासन। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।